हाय, आई एम संदीप फ्रॉम टीम वालेसाला और आज हम सीखने जा रहे हैं इटालियन जोक और डबल लेजी बॉय। सो इटालियन जोक इज अ वेरी कूल एंड सिंपल मूवमेंट। इसको आप बार के ऊपर, वॉल के ऊपर और किसी ऐसे पतले ऑब्स्टिकल के ऊपर कर सकते हैं और ये दिखने में बहुत ब्यूटीफुल लगता है और इसको लोग मोस्टली सीजनिंग में यूज़ करते हैं। इटालियन जोक को सीखने के लिए आइए पहले हम इसको छोटी हाइट पर ट्राई करते हैं, फिर धीरे धीरे करके हम हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपकी कंफर्टेबल साइड कौन सी है। इफ़ यू आर कंफर्टेबल फ्रॉम राइट साइड और जिस साइड से आप लेजी वॉल्ट करते हैं आपको इटालियन जोक उसी साइड से ट्राई करना चाहिए, या लेफ्ट साइड से कंफर्टेबल है तो आप लेफ्ट साइड से भी कर सकते हैं, आप किसी भी साइड से कर सकते हैं, दोनों साइड से ये आसान है। तो मैं राइट साइड से ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ तो मैं आपको राइट साइड से करके दिखाता हूँ। इसमें पहले हम सेफ्टी वॉल्ट करेंगे और दूसरी साइड अपने पैर को हैंग कर, इटालियन जॉब करते टाइम हम हैंड को कैसे शिफ्ट करते हैं। जैसे अगर मैं राइट साइड से लेजी वॉल्ट कर रहा हूँ तो पहले मेरा राइट हैंड आएगा, उसके बाद इटालियन जॉब करते टाइम मेरा लेफ्ट हैंड स्विच हो जाएगा। लाइक दिस। सो लोअर हाइट पे कंफर्टेबल होने के बाद अब हम एक मिडी वॉल पे आए जो ऑलमोस्ट मेरे वेस्ट लेवल की है और इसमें हम स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रोग्रेस करेंगे इटालियन जॉब को वो देखेंगे। एंड पिस्टन। सो इटालियन जॉब करते टाइम कई बार हम आगे या फिर पीछे फॉल हो सकते हैं, उस सिनेरियो से बचने के लिए मैं आपको दो सेफ्टी मेजर्स बताता हूँ जो बहुत ही ध्यान से सुनना। सो फर्स्ट वन, अगर आप लेजी वॉल्ट करते टाइम थोड़ा सा इनबैलेंस हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी आगे फॉल होने वाली है तो आप हैंड से पुश लेके आगे लैंड कर सकते हैं। नाउ सेकंड वन, अगर आप पीछे फॉल होते हैं तो उस सिनेरियो में आप क्या कर सकते हैं, तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे अपनी ग्रिप को टाइट रखना है हमें, ताकि अगर हम पीछे की तरफ भी फॉल होते हैं तो हमारी नीज एटलीस्ट बार के ऊपर है और हम यहाँ से स्विंग ले सकते हैं। और आप यहाँ से अब नीचे आ सकते हैं। तो ये था हमारा इटालियन जॉब का ट्यूटोरियल। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है मूवमेंट सीखने में तो आप वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फीडबैक देना ना भूलें।